मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया की दौलत मुझे मिल गई। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी निहारिका। तुम कहो निहारिका, मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। नहीं रुद्र, मैं खुद ही आती हूँ ना। तो निहारिका तो प्लीज जल्दी आओ ना। निहारिका मैं तुमसे अभी इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बाहों में भरकर शुक्रिया कहना चाहता हूँ निहारिका, प्लीज कम फास्ट। मैं अभी आती हूँ। हाँ डॉक्टर, मैं ये अभी नहीं करवा सकती। आई मीन ये अबॉर्शन अभी नहीं करवा सकती मैं, मुझे जाना है। अरे निहारिका तुम? हे पापा, अगर डॉक्टर बाहर आ गई तो ध्रुव को कहीं ये पता न चल जाए कि मैं यहाँ क्यों आई थी। कंग्रेचुलेशंस, हमें तो गुड न्यूज पहले ही मिल गई। मैं भी तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था। चाचा बनाने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर ने हमें अभी अभी बताया और ये खुशखबरी मैंने रुद्र भैया को फोन पर बता दिया, वो भी बहुत खुश है। पर आप यहाँ किसी और डॉक्टर से मिलने क्यों आई हैं? आपकी डॉक्टर तो वो मेरी डॉक्टर ने इन दूसरी डॉक्टर के पास भेजा है। अच्छा हम लोग घर जा रहे हैं, चले। मुबारक हो। थोड़ी देर आराम कर ले हैं। चहल पहल से रोले रप्पे से तू बिल्कुल थक गई होगी। पर क्या करें, रुद्र की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। नहीं वैसे ध्रुव भी खुश है, पर क्या है ना, मेरे दोनों पुत्र अलग अलग हैं, तो दोनों की खुशी दिखाने का भी तरीका फर्क है। मैं तो इस बात से खुश हूं कि ध्रुव तेरा पूरा पूरा ध्यान रख रहा है। रामू काका। जी साहब। रामू काका, ये अर्पिता की दवाइयां हैं, इन्हें ध्यान से टेबल पर रख दीजिए और वहां पर पानी का जग भर के रख दीजिएगा और हर रोज खाने में हरी सब्जियां, दही और पनीर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा।
और सुबह शाम फ्रूट जूस। ध्रुव ऐसा क्यों कर रहा है? वो अपनी महानता किसे दिखा रहा है? ध्रुव पुत्र से रिवीजन कर ले, देख ले कुछ फूल आते नहीं है। कुछ नहीं, तुम अपना ख्याल रखना। स्नेहा, कितना सोच समझ कर तीर चलाया था पर कोई फायदा नहीं हुआ। ध्रुव ये जानते हुए कि बच्चा उसका नहीं है, अर्पिता का इतना ध्यान रख रहा है, अगर कहीं उसे ये पता चल जाए कि बच्चा उसी का है, तो वो तो अर्पिता के पैरों में कलियां बिछा देगा और ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। ये सब क्या है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी तरह प्यारी सी बेटी हूं, इसलिए तुम रोज सुबह उठ के सबसे पहले अपनी तस्वीर देखोगी। और ये सब भाई, जब तक हमें जीती जागती गुड़िया नहीं मिल जाती, तब तक हम इन्हीं के साथ अपने दिल का प्यार बांट लेंगे। खुशखबरी देने के लिए ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से, और हर महीने मैं तुम्हें इससे भी बड़ा हीरा दूंगा, क्योंकि कुछ महीने बाद तो तुम मुझे एक सच्चा हीरा देने वाली हो ना। कैसे कहूं रुद्र से कि जिस बच्चे का इस दुनिया में आने का वो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, उसके प्यार की निशानी नहीं शिवम का भाव है। अरे क्या सोच रही भाई, आज के बाद हम कुछ भी सोचेंगे तो मिलकर, अपने बच्चे के लिए, अपनी नन्नी मुन्नी प्यारी गुड़िया के लिए। मैंने तुमसे कहा ना तुम्हारे बच्चे को कुछ देखो, ये एक रेगुलर चेकअप, शहर की बेस्ट डॉक्टर, और इस हालत में माँ और बच्चे का चेकअप होना बहुत जरूरी है। हे भगवान, हमने अपने पति पर शक क्यों किया? हम इतना बड़ा पाप कर रहे थे और वो उनका कितना बड़ा दिल है। उनकी जगह कोई और इंसान होता तो कभी ऐसा नहीं कर पाता, पर हम क्या करते थे? हम कितना डर रहे थे परिवार की बदनामी होने से तो बच गए, पर हमने ध्रुव जी के सामने झूठ बोल दिया। इस मासूम के गुनहगार बन बैठे, इसके अपने ही पिता से हमने कह दिया कि ये नाचायज है। एक बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले ही उसके पिता का नाम छीन लिया, पर आज आज ध्रुव जी भी रुद्र भैया की तरह खुश होते, खुशी से फूले न समाते, मगर हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे मेरे बच्चे। वाह, क्या किस्मत पाई है तुमने, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम्हारे पतिदेव ने तुमसे एक सवाल तक नहीं पूछा। सवाल तो छोड़ो,
वो तो तुम्हारा ध्यान रख रहा है, मेडिसिंस का, जूस का, फ्रूट्स का। वाह भाई वाह। और ये जानने के बावजूद कि वो बच्चा उनका नहीं है, तब भी वो चाहते हैं कि इस दुनिया में वो बच्चा है। वाह भाई, कमाल है ध्रुव भैया भी, या तो वो पागल हो गए हैं या तो उनमें कोई गैरत नहीं है। नहीं स्नेहा, ना ही हमारे ध्रुव जी पागल है और ना ही उनमें कोई गैरत की कमी है। इस संसार में शायद ही कोई इतना किस्मत वाला होगा। हमारी जिंदगी तो धन्य हो गई है कि हमें ध्रुव जी जैसे पति मिले। हमें ध्रुव जी पर सिर्फ गर्व नहीं बल्कि मान भी है, और हमारे दिल में उनके लिए 100 गुना प्यार पड़ गया है। वो साक्षात राम है स्नेहा, याद रखना। लगता है अब अर्पिता पर मेरी सारी धमकियों का असर खत्म हो गया है। सारा मामला मेरे हाथ से निकलता नजर आ रहा है। स्नेहा, तुझे ही कुछ करना होगा। अरे स्नेहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कहाँ रह गए? प्लीज शेखर। अरे क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? जबकि ये कराए पे पानी फिर जाए, परेशान तो होंगी ना। सोचा था क्या और क्या हो गया। मुझे लगा कि ध्रुव अर्पिता को हॉस्पिटल अबॉर्शन के लिए ले जा रहा है, वहां जाके देखा तो सीन ही दूसरा था। अर्पिता को धक्के मारने की बजाय उसका कदम कदम पे ध्यान रख रहा है। और वो अर्पिता, वो तो मन ही मन खुश हो रही होगी, और क्यों ना हो, उसका पति जो उसका ध्यान रख रहा है। अरे यार, तुमसे कितनी बार कहा है कि ध्रुव और अर्पिता के बारे में मत सोचो। मैं तो कहता हूं इस परिवार को ही छोड़ दो, चलो हम दोनों शादी कर लेते। ओ कम ऑन शिखर, तुम्हें थोड़ा इंतजार तो करना होगा। जब तक मैं उस अर्पिता से बदला नहीं ले लेती, उसे सबक नहीं सिखा देती और उसकी जिंदगी से ध्रुव को अलग नहीं कर देती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। और तुम देखना, वो दिन दूर नहीं जब मैं अर्पिता का जीना मुश्किल कर दूंगी। मैं बेमायने रिश्तों की कैसी कश्मकश में उलझता जा, न निकल पाता न बंद रह जाता। तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें ध्रुव जी जैसे पिता मिलने वाले हैं। इस दुनिया में शायद ही कोई उनके जैसा होगा। इतना अच्छा, बहुत बड़ा दिल है। Thank you.
दवाई खाई। आप अपनी चादर लेना भूल गए थे। बहुत रात हो चुकी है, सो जाओ। क्या करी? हमें आपके पैर छूने से मत रोकिए ध्रुव जी। आप इतने अच्छे हैं कि आपकी तारीफ में कोई शब्द नहीं है हमारे पास। आपका दिल इतना विशाल है, इस संसार में शायद ही किसी का होगा। आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं। मुझे भगवान का दर्जा देने की कोई जरूरत नहीं है। इंसान हूं, इंसान ही रहूंगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं महान बनने के लिए नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इंसानियत के नाते कर रहा हूं। तितली मामी के कहने पर मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले गया। अगर मैं तुम्हारी सेहत और दवाइयों का ख्याल रख रहा हूं तो सिर्फ इंसानियत के नाते। झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे कि तुमने जो किया उसका मुझे कोई दुख नहीं है। और मर्दों की तरह मैं भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारे कोख में किसी, खैर मैं जानता हूं कि मुझे तुमसे सवाल करने का या पूछने का कोई हक नहीं है, लेकिन इतना हक तो है कि अपने परिवार की इज्जत पर उस कीचड़ के छींटे न उछलने दो जो तुम्हारी वजह से उछल सकते हैं। पति पत्नी का रिश्ता चाहे जैसा भी हो, लेकिन कोई भी पति यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी तुमने जो कुछ किया उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ भी सकता था, लेकिन क्या करता, मजबूर था इंसानियत के हाथों। लेकिन एक बात मैं तुम्हें आज साफ साफ कह देना चाहता हूं कि तुम इस घर में सिर्फ तब तक हो जब तक तुम इस बच्चे को जन्म नहीं देते। इस बच्चे के पैदा होते ही तुम्हें अपने गांव हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। हमेशा हमेशा के लिए जाना।